लास्ट वन ईयर में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आए हैं और वो इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई मार्केट लेवल्स देख रहे हैं तो उनसे कुछ गलतियां हो सकती है या फिर एग्जिस्टिंग पुराने इन्वेस्टर्स भी बुल मार्केट में बहुत सारी गलतियां करते हैं तो हमने यहाँ पे चार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको फॉलो करना है वेन मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई आज भी आई थिंक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था बाद में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है बट यहां पे क्या चीजें करनी चाहिए फोर थिंग्स टू डू इन ऑल टाइम हाई स्टॉक मार्केट इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए ये एक रिविजन काइंड ऑफ वीडियो भी हो सकता है सो so, पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि मार्केट ने ये जो लास्ट वन ईयर में एक फेनोमिनल रन दिया है बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स है तो उनके पास चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट के लास्ट वन ईयर में रिटर्न आए हैं सो ये ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख के हमारी एक्सपेक्टेशंस को वैसे बिल्ड नहीं करना है वी विल हैव टू थिंक अबाउट रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन द लॉन्गर होराइजन मतलब पांच साल के ऊपर का ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट का होराइजन होना चाहिए आपका तो वहां पे रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज बिटवीन 12 टू 15% दैट टू Uh, मैं थोड़ा सा कॉशियस ही बोलूंगा यहां पे बिकॉज लास्ट वन ईयर वॉज फिनल ईयर उसके बाद नॉर्मली हम ऐसे हाई रिटर्न देखते नहीं है सो so, एक हाइयर सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के हमने चलना चाहिए सो so, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ट्रेलिंग ईयर रिटर्न ट्रेलिंग रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो यहाँ से एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो तो वो चीज हमने यहां पे बिल्कुल नहीं करनी है तो ये पहली चीज है ट्रेलिंग रिटर्न पर कंप्लीटली डिपेंड होके आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है Then. हमेशा जो हम बात करते हैं मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूं तब एक वर्ड यूज करता हूं एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूं वो है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे टच करता है सो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करना आपका एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है ऑटोमेटिकली मतलब आपने डिसाइड किया था कि भाई सिक्सटी परसेंट इक्विटी में होना चाहिए चालीस परसेंट डेट में होना चाहिए और ये सिक्सटी अभी एटी हो चुका है सो देन दैट रीबैलेंसिंग शुड हैपन दैट इक्विटी डेट शिफ्ट शुड हैपन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेन यू आर एलोकेशन, वेन यू आर प्रॉफिट बुक हो जाता है और डेट में मूव हो जाता है आगे जाके अगर मार्केट गिरता है कुछ करेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन विल टेल यू की डेट से इक्विटी में कैसे जाना है अभी आप यहां पर पूछोगे कि भाई ये एसेट एलोकेशन फॉलो करने का तो आपने बोल दिया हमें बट ये पैसा निकाले कहां से कौन से फंड से निकाले स्टॉक से निकाले नॉर्मली so मेरा एक सजेशन रहता है आप लोगों को कि अगर आप इक्विटी में एलोकेशन दे रहे हो सो so थोड़ा बहुत एलोकेशन इंडेक्स फंड में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर लार्ज कैप इक्विटी फंड में भी आप एलोकेशन अगर आपने रखा है तो वहां से आप शिफ्ट कर सकते हो बिकॉज जब भी हम ऑल टाइम हाई मार्केट की बात करते हैं तो दो इंडाइसेस हमारे सामने आते हैं एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स नॉर्मली अगर लार्ज कैप फंड्स भी आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द एलोकेशन इज टूवर्ड्स दी इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक इंडेक्स में जो स्टॉक्स अवेलेबल है उनमें ही होता है एंड दैट्स वाई क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि जो भी सरप्लस एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड्स में आया है वो आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो सो दैट वुड बी बेस्ट थिंग टू डू देन थर्ड वन जो चीज है कि भाई लिवरेज पोजिशन कभी नहीं लेनी है जब मार्केट हाई होते नॉर्मली हमें ऐसा लगता है भाई अब ना यहां से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाने वाला है सो so, मेरी कैपेसिटी सौ रुपए इन्वेस्ट करने की है मैं बोरो करके 200, 300, 400, 500 सौ रुपए इन्वेस्ट करता हूं नॉर्मली बहुत सारे लोग लिवरेज पोजिशन कहां पे ले लेते हैं फ्यूचर्स में ले लेते हैं मतलब डेरेवेटिव में कि भाई आपको पांच रुपए इन्वेस्ट करने है तो सौ रुपए का प्रीमियम दे दिया तो आपका काम हो जाता है एंड यू टेक द लिवरेज पोजिशन इन अ वे सो वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है ये मार्केट्स में कभी भी लिवरेस्ट पोजिशन लेने की कोशिश मत कीजिएगा पूरा का पूरा आपका जो इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस है वो खराब हो सकता है सो दैट्स वन थिंग यू शुड कंप्लीटली अवॉइड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस टाइम इट इज डिफरेंट ये हमें हमेशा लगता है मार्केट में नॉर्मली जो पुरानी इन्वेस्टर्स हैं उनको कि हमेशा बुल मार्केट में ये गलतियां हम करते हैं कि भाई दिस ये इस बार ना कुछ तो अलग है बॉस कुछ तो अलग है ऐसा कुछ अलग नहीं होता है मार्केट्स अपने आप वो सारे लेसन फिर से पढ़ा देते हैं वी हैव सीन हाई पी ई रेशियोज अर्लियर ऑल्सो देन मार्केट गोइंग डाउन देन अगेन हाई पी रेशियोज तो ये सारी चीजें चलती रहती है सो so इसीलिए द बेस्ट थिंग टू डू कि भाई दिस टाइम इट इज डिफरेंट यह सोचना बंद कीजिए एंड अगेन रूल नंबर टू क्वार्टरली रिबैलेंसिंग या फिर जब भी मार्केट हाई लेवल पर जाता है तो तब रीबैलेंसिंग करने में कोई गलती नहीं है मुझे ऐसा लगता है सो so ये चार चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में करना है अगर आप लोगों को लगता है कि भाई एलोकेशन कहाँ पे लेने हैं कैसे लेने हैं कौन से स्टॉक्स से, कौन से म्यूचुअल फंड से तो इसके लिए हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट .in पे अवेलेबल है आप वहां जाके मानसून ये प्रोमो कोड यूज करके 30% परसेंट का डिस्काउंट्स हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोस पे ले सकते हो मैं आशा करूंगा आप इन्वेस्ट अज्ञा डॉट इन को जरूर विजिट करेंगे तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए दोस्तों जय हिंद